पढ़ाए जाए कुछ असर नहीं होना। जैसे आई थिंक जब पहले मैं ये बोलती भी हूँ कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम् लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम् दर्शयति। यानी जिस इंसान के पास स्वयं की बुद्धि नहीं है उसको आप कितना भी शास्त्र पढ़ाएं कुछ नहीं होगा। जैसे एक नेत्रहीन को आप दर्पण दिखाएं तो क्या होगा। और ये इतने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे हैं, एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। वी नो कि जो ह्यूमन फीमेल बॉडी है वो ही 18 ईयर्स पेल्विस ही नहीं डेवलप होती है, प्रेगनेंसी कहाँ से होगी उसमें। और ये नहीं कि सेक्स होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, हाउ कैन यू डिनाई दैट। आप अपने 8, 9 या 10 क्लास के बच्चे को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे के स्कूल भेजोगे क्या कि क्या प्रेगनेंसी हो जाए, जो यूरोप में इतना कॉमन है। पहले मम्मी ब्रेकफास्ट के साथ पिल्स दे रही है कि जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो जाए। हमारा कल्चर तो ये नहीं एक्सेप्ट करता। हम इंडिया में हैं, हमें इंडिया के हिसाब से ही चलना चाहिए। ऊपर हो जाए तो ठीक है, वेदा वाले 25 सेंचुरी। और आपके ये इस समय जो है अपना जो करियर और ये सब कुछ डेवलप करने का समय है, ये 16 साल प्री मैरिटल भी आप इसमें अलाउ कर दोगे इस तरीके से। 21 ईयर की है, 21 साल के बाद तो शादी करेगा, 16 साल में उसको अलाउ कर दो आप सब काम करने की तरफ से वितरण हो जाएगी एंड द पीपल विल गो फॉर एबनॉर्मल। अभी हिंदुस्तान में क्या है कि जो शादी के बाद सब कुछ तो शादी के बाद आपको होगा जो हाई अमाउंट ऑफ गे पॉपुलेशन सच एबनॉर्मल जो प्रोसीजर्स है ये अपने इंडिया में इतना नहीं है, सब जगह पर इतना रैम्पेंट नहीं है जितना अदर कंट्रीज। जो सर कह रहे हैं कि इट इज प्रिवलेंट होगा, प्रिवलेंट होगा यंग एडल्ट्स, पर वो एक जैसे आपका टीनेजर्स जो है, क्या है बच्चों की आपकी क्या टीनेजर्स नहीं मिले आप खुद अपने आप को आप एक पर्सनली जो पटोलेंस अगर आप वो सब बातें ठीक है पर आप आपकी बात से फुल्ली एग्री हूँ कि दिस शुड बी द रामराज्य सिनेरियो।